नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन एयरफोर्स के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें कितनी तारीख से स्टार्ट है फॉर्म और कितनी तारीख को क्लोज है और एग्ज़ाम कब है इसकी बारे में पूरी चर्चा करेंगे। अगर अभी तक अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम इस चैनल पर डेली करंट अफेयर और स्टडी मटेरियल अपलोड करते रहते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स, इसका इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन ऑन कैंडिडेट्स, इसके बारे में ऑनलाइन फॉर्म की एप्लीकेशन के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट 2 जनवरी 2019 से लेकर और 21 जनवरी 2019 तक है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें आपको अपलोड करने के लिए 10वीं क्लास की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, 12वीं मार्कशीट, और अगर 12वीं की मार्कशीट नहीं है तो आप 3 ईयर का डिप्लोमा अपलोड कर सकते हैं। एक पासपोर्ट साइज, इसमें कलर फोटो और कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड का थंब और सिग्नेचर इमेज की फ़ोटो, और अगर कैंडिडेट 18 वर्ष से कम है उम्र तो उसके फादर मदर या गार्जियन की सिग्नेचर अपलोड होंगे। इसमें एग्जामिनेशन फीस 250 रुपये बताई गई है और कैंडिडेट की एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होने चाहिए और आधार कार्ड। एग्ज़ाम देने जाए तब वैलिड आईडी प्रूफ इसके बारे में जानकारी दे रखी है। और इसकी एग्ज़ाम, इंडियन एयरफोर्स की एग्ज़ाम के बारे में, ये अनमेरिड मेल इंडियन सिटीजन होना चाहिए और 14 मार्च से 17 मार्च तक इसके बीच एग्ज़ाम लगेगी। एयरफोर्स अक्स, वाई और ट्रेड तीनों की। इसमें डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया गया है, 19 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच में इन दोनों डेटों को इंक्लूड किया गया है, वही फार्म भर सकता है, इसके अलावा फार्म नहीं भरा जाएगा। 21 वर्ष से उम्र कम होनी चाहिए। अक्स ग्रुप के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं। अक्स ग्रुप में 12वीं पास प्लस उसमें सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश होने अनिवार्य हैं और 50% अनिवार्य हैं और इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में 50% होने ज़रूरी हैं। और वाई ग्रुप के लिए किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास होने चाहिए और मिनिमम 50% और केवल इंग्लिश में 50% अनिवार्य हैं। और ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेंड में, उसके बारे में 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश, इनमें सभी में मिलाकर 50% कम से कम होने चाहिए और केवल इंग्लिश में 50% से अभाव होना चाहिए। इसमें हाइट बता रखी है, इसमें 152.5 सेमी और चेस्ट 5 सेमी का फैलाव होना चाहिए। वजन उसके लंबाई के अनुसार 55 किलो कम से कम होना चाहिए। ट्रेनिंग के बारे में बता रखा, 20 वर्ष की जॉब है इसमें, अबाउ 57 वर्ष तक, और इस सैलरी के बारे में बता रखा है। इसमें ट्रेनिंग के टाइम 14,600 रुपये और एक्स ग्रुप की ट्रेनिंग होने के बाद 33,100 रुपये और वाई ग्रुप में 26,900 रुपये। पेपर के बारे में बता रखा, एक्स ग्रुप में 60 मिनट दिए जाएंगे, उसमें इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स 10+2 CBSE आधारित सिलेबस होगा और वाई ग्रुप में 45 मिनट का पेपर होगा, उसमें इंग्लिश और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस होगी। इसमें
45 मिनट दिए जाएंगे, और जब अगर दोनों को एक साथ देना चाहता है एक्स और वाई की, तो उसमें 85 मिनट मिलेंगी। 10+2 CBSE आधारित सिलेबस होगा, इंग्लिश फिजिक्स और मैथमेटिक्स होगी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस होगी। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का एक नंबर होगा और नेगेटिव मार्किंग का 0.25 है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर इसकी लिंक दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर अभी तक अपना YouTube चैनल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।